नमस्कार वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। मोदी का सपा पर हमला, कहा यूपी में हर थाना बना समाजवादी पार्टी का कार्यालय। यूपी के लखीमपुर खीरी में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 में जब समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया तो अब गठबंधन की जुगत में लग गए और परिवार भी बिखर गया। अब सपा कांग्रेस की शरण में बैठ गई। जो राम मनोहर लोहिया जीवन भर कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे, उन्हें आज सपा ने अपमानित किया है। सिर्फ कुर्सी के मोह में सपा कांग्रेस की गोद में बैठ गई। उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यूपी का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। यहाँ के किसानों का बकाया चुकता करने से यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को किसने रोका? किसानों के हक को छीन लिया गया है। पीएम ने यह भी कहा कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो पहले ही मीटिंग में किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। पहले चरण के मतदान पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि प्रथम चरण में करारा मतदान हुआ है। पहले चरण के रुख ने साफ बता दिया है कि कितने भी गठबंधन हो जाएं, सपा बच नहीं पाएगी। मोदी ने कहा कि यूपी में 5 साल से अखिलेश यादव की सरकार है, उन्हें अपने काम का हिसाब देना चाहिए। उन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट की बात करते हुए कहा कि लोगों को मूर्ख बनाया गया है, आज भी मेट्रो ट्रेन नहीं है, केवल फीता काटा गया है। मोदी ने मेदांता अस्पताल का नाम लेते हुए कहा कि उस जगह का उद्घाटन किया गया है लेकिन वहां पर बीपी भी चेक नहीं होता। राज्य में बिल्कुल भी कानून व्यवस्था नहीं है। यूपी में हर दिन 20 बलात्कार की घटनाएं होती हैं, हर दिन यहां पर 17 तक हत्याएं होती हैं। हर हत्या के पीछे राजनीति की बुआ आती है। पूरे यूपी जानता है कि जेलों में बंद लोग बाहर गैंग चलाते हैं, जेल से इशारे पर लोगों की हत्या हो जाती है। मोदी ने आरोप लगाया कि राज्य में हर थाने को समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब मैडम मायावती की सरकार थी तब 2010-12 के बीच यूपी में 23 गांव में बिजली भेजने का काम किया गया। अखिलेश सरकार में 2012-14 में यूपी में अखिलेश सरकार का काम कुछ यूं बोला। इस दौरान इन नौजवान मुख्यमंत्री ने 2 साल में केवल 3 गाँव में बिजली पहुँचाई। यूपी में 1500 गाँव अंधेरे में है। 2014 में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तब हमने 2 साल में काम करके दिखाया। काम दूर से दिखता है। 2 साल में केंद्र सरकार के जरिए यूपी में 1364 गांव में बिजली पहुंचाने का दावा किया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। भारत ने बांग्लादेश को 208 रनों के बड़े अंतर से हराया, विराट की कप्तानी में 15वीं जीत। पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने उठाए इस्लामाबाद की कश्मीर नीति पर सवाल। कैलिफोर्निया में मारे गए भारतीय आईटी पेशेवर वंशी मामीडीला के परिवार को सुषमा ने दिया मदद का आश्वासन। मायावती ने कहा सपा कांग्रेस का साझा कार्यक्रम जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश। कठुआ में सड़क हादसे में जम्मू कश्मीर बैंक के 4 कर्मचारियों की मौत। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।